प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी का स्थापना 2 अक्टूबर को अब हो चुका है। आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर अब प्रत्यक्ष रूप से मैदान में आ गए हैं और विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो जोरों पे होगी। आपको हम बता दें कि प्रशांत किशोर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मेरा जो मुकाबला है वो बीजेपी से है, आरजेडी को अपना प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं है। तो अब देखना होगा विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रशांत किशोर किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी बनने की और पार्टी का घोषणा होना बाकी था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दिया है और एक भव्य तरीके से, जहां पर लाखों लोगों के आने का इंतजाम किया गया था और भारी संख्या में लोग जो है वो बसों में भर कर वहां पर पहुंचाए भी गए थे। आपको हम बता दें कि एक भव्य तरीके से प्रशांत किशोर ने शुरुआत तो कर दी है और पटना की धरती से आगाज कर दिया है। तो अब देखना होगा विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों को तैयार करवाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव लड़वाने के लिए जाने जाते हैं और उनका काम ही यही है कि लोगों को चुनाव जितवाना। जैसे कि वो पता है कि पहले वो बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के भी साथ काम कर चुके हैं, लगभग तमाम बड़ी पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर जो है अपना अनुभव शेयर कर चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाने की जो ठानी थी, अपना पार्टी का घोषणा उन्होंने कर दिया है, अब उनका पार्टी जो है वो अब तैयार हो चुका है। तो अब देखना होगा, प्रशांत किशोर ने आज तक दूसरों के लिए काम किया है लेकिन अब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे और किस प्रकार से प्रशांत किशोर नीति तैयार करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो उनको बखूबी मालूम है कि जनता को कैसे अपने बातों में लेना है, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनाने में भी मदद किए थे, नीतीश कुमार की भी सरकार बनाने में मदद किए हैं और ममता बनर्जी का हो या फिर अरविंद केजरीवाल का हो, लगभग सभी लोगों का सरकार बनाने में मदद किए हैं और उनको पता है कि चुनाव किस प्रकार से जीता जाता है, कौन से स्ट्रेटजी से काम करना है, क्या कुछ करेंगे कि आप जनता के बीच में जा सकते हैं, जनता का विश्वास पा सकते हैं। तो अब देखना होगा, प्रशांत किशोर एक बड़ा मुकाबला दे सकते हैं आरजेडी को, यानी कि एनडीए सरकार को। तो देखना होगा प्रशांत किशोर का जो ये नया रूप सामने आया है। तो देखना होगा, प्रशांत किशोर जो है आज तक वो एक बिजनेसमैन थे लेकिन अब प्रशांत किशोर जो है एक पार्टी के रचनाकार के तौर पर सामने आए हैं और एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब पार्टी को किस प्रकार से आगे पहुंचाएंगे, प्रशांत किशोर के बारे में लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो राजनीतिक चाणक्य है। तो अब देखना होगा ये चाणक्य अपनी पार्टी के लिए कितना कुछ कर पाते हैं विधानसभा चुनाव में, जनता इनकी बातों से कितना प्रभावित होती है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।